आज की हमारी इस क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग। जी हाँ, इवेंट। अभी तक जो हमने पढ़ाई की, जिसके बारे में जाना समझा, उसमें क्या था कि हर एक माइक्रो को हमें मैन्युअली रन करना होता था। हर एक माइक्रो क्या करना था? रन करना होता था। लेकिन मैं इस बार ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरा जो मैक्रो है वो मैं रन ना करना पड़ू, वो ऑटोमेटिकली अपने आप जनरेट हो जाए, राइट? पर अपने आप रन हो जाए। एग्जांपल के लिए कि मैं इस सीट पे जहां भी क्लिक करूं, वो क्लिक करते ही क्या हो जाए, वो कलर हो। तो हम डेवलपर में नहीं जाएंगे इस बार, इस बार सीट के ऊपर राइट क्लिक करके व्यू कोड पे करेंगे। ये आपका इस तरह का विंडो आया, ऑलरेडी यहाँ पे सीट आप देखिए सिलेक्टेड है। तो हम जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो सीट के अंदर कर रहे हैं, हम सीट के बाहर मॉड्यूल्स पे नहीं कर रहे हैं, सीट के अंदर कर रहे हैं। अब यहां से लोकेशन मुझे सीट के अंदर करना है और यहाँ पे एक्शन कि मेरा माइक्रो कब ट्रिगर होगा। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्शन चेंज आए। अब सिलेक्शन चेंज में जहां मैं सिलेक्ट कर रहा हूं वो टारगेट के नाम पे असाइन हो जा रहा है, जो कि आप देख पा रहे हैं। अब मुझे कलर करना है तो मैं यहां लिखूंगा टारगेट डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड, या जो भी कलर करना चाहते। जैसे क्लिक किया ये यहां पे आप देखिए मेरा कलर हो गया। अब क्वेश्चन आता है इसका बेनिफिट क्या है। चलिए इसका बेनिफिट हम एक चार्ट्स में आपको दिखाते हैं। इसके लिए हम यहाँ एक छोटा सा डेटा तैयार करते हैं, जैसे कि जैन फैम मंथ इस तरह का हमने तैयार किया। और यहाँ मेरा बैंक है, जैसे कि SBI और इस तरह के बैंक्स है जो कि मैंने यहाँ पे टाइप किए। अब मैं यहाँ पे रेन बिटवीन का फॉर्मा लगाया, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ हमने इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लिया, रेन राइट रेन कॉपी, और हम यहाँ पे वैल्यू में आके यहाँ पे वैल्यू पेस्ट कर देते हैं, जो कि आप अपने देख पा रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे इस पे चार्ट बनाना है। अब इसको पकड़ के अगर मैं इंसर्ट में गया और चार्ट बनाया तो सबका चार्ट इकट्ठा बन जाएगा और खिचड़ी हो जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमने डायनेमिक चार्ट वाले चैप्टर, अगर आपने मेरा एक्सेल एडवांस एक्सेल का कोर्स किया होता तो डायनेमिक चार्ट के बारे में जाना। तो डायनेमिक चार्ट का मेथड मैंने यहां लिया, यहां पे पेस्ट किया और यहां हम करते हैं वन। यहां मैं ऑफसेट का कॉमा लगाया, इसको सिलेक्ट किया और कॉमा इसको सिलेक्ट किया एंड कॉमा जीरो कर दिया। अब आगे ड्रैग करने से पहले हम A3 को फ्रीज कर देते हैं और इसको ड्रैग करते हैं। अब बोलेंगे सर प्रहात तो आप VBA थे और एक्सेल के फॉर्म में लगा दिए। कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब ये आपके सामने आ। अब मैं यहां अगर दो करता हूं तो फाइव आ जाता है, थ्री करता हूं तो मार्च आता है। अब ऐसे 1 2 3 मैं टाइप नहीं करना चाहता, मैं अपने चार्ट को इस तरह से मैंने रख दिया, ठीक है, इस तरह से मैंने रख दिया। और ये जो चीजें दिख रही है इसको इसको भी हम बाद में हाइड कर देंगे, फिलहाल रख दिया मैंने। तो मैं चाहता हूं कि जैसे मैं यहां क्लिक करूं तो क्लिक करते ही जैन का मार्च रिपोर्ट दिखा, यहां क्लिक करो तो फैब, यहां क्लिक करो तो मार्च, अप्रैल मई जून जुलाई वगैरह ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है तो आप यहाँ पे फॉर्मेट सेल में जाके फिल में जाके यहाँ जो है अपना ऑटोमेटिक कलर में मोड थ्री, यहाँ पे ऑटोमेटिक कलर नहीं, यहाँ पे फिल इफेक्ट पे जाइए। और यहाँ पे अगर कोई बटन वगैरह बनाना है या अपना बटन वगैरह बना सकते। ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लिया, तो वर्टिकल है, ओरिजेंटल है, डॉन है, फॉर्म सेंटर है, ए फ्रॉम ए है, इस तरह का। तो ये ओरिजेंटल वाला तो सही दिख रहा है, इसमें मैंने सिलेक्ट कर दो, थोड़ा
सा इसको बड़ा कर दीजिए ताकि एक तरह से बटन टाइप का दिखे आपका। और इसको सेलेक्ट करके हमने क्या कर दिया, सेंट्रल कर दिया इस तरह से। तो मैं इस पे क्लिक करूं तो जैन का रिपोर्ट, इस पे क्लिक करूं तो 5 मार्च, इस तरह से मुझे दिख। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे व्यू कोड, राइट क्लिक व्यू कोड, और इस व्यू कोड में हम सिलेक्ट करेंगे वर्कशीट को, सिलेक्शन चेंज को। तो यहां पे सिंपल सा करते हैं कि रेंज कौन सा रेंज है हमारा, तो है A13। ये जो नीचे यहां जो आपको दिख रहा है ये आपका A13 है ना, तो मैंने लिखा रेंज इन्वर्टर कॉमा A13 डॉट वैल्यू इक्वल टू टारगेट डॉट रो माइनस वन, क्योंकि ये ऊपर हेडिंग है ना इसलिए। अब इसको रन करते हैं। अब देखिए आप, जैसे हमने यहाँ पे जून पे क्लिक किया तो यहाँ पे जून का नंबर 7 -1 6 डाल दिया, ऑफसेट ने 6 का डेटा दिया और चार्ट यहाँ देखिए चेंज हो गया। ओके देख पा रहे, पर प्रॉब्लम ये है कि मैं यहां भी क्लिक कर दे रहा हूं तो चेंज हो रहा है, या ऊपर मंथ में कर दिया तो जीरो हो गया, कुछ और दिख गया। तो अब यहां पे मुझे वैलिडेट करना है कि ए कॉलम के अंदर ही A2 से लेके A11 तक अगर हम क्लिक करेंगे तभी कुछ होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे वेरिएबल्स लेते हैं कि डिम आर कॉमा सी एज ए लॉन्ग, और यहां पे हम करते हैं आर इक्वल टू सेल्स, सेल आर इक्वल टू डॉट टारगेट है, टारगेट डॉट रो, और सी इक्वल टू टारगेट डॉट कॉल। अब यहां इफ कंडीशन देना है कि इफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू एंड आर इज लेस देन इक्वल टू, कौन सा है हमारा यहां पे था मैं 11, लेस देन इक्वल टू 11 अगेन एंड सी इक्वल टू 1, देन ए चले अदरवाइज ना चले। ठीक है, अब जैसे इस पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो अब इस पे क्लिक किया तभी वर्क करेगा, अगर मान लीजिए मंथ पे क्लिक किया तो वर्क नहीं करेगा, नीचे कहीं क्लिक किया तो वर्क नहीं करेगा, कहीं और क्लिक किया तो वर्क नहीं करेगा। वर्क कहां कर रहा है, सिर्फ इसी पे कर रहा है। तो इवेंट मैनेजर का काम क्या हुआ कि आप जो कोड चाहते हैं वो कोड आपकी हिसाब से नहीं, वो आपके इवेंट के हिसाब से चलेगा, मतलब कि आपको खुद रन नहीं करना है, जैसे ही वो इवेंट वर्क करेगा वो ऐसे ही वो रन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां इवेंट मैप को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, उसको पर्टिकुलर रन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ राइट कोड लिख दो और हो जाएगा। हाँ मतलब कि आपने, मैंने कोड कहाँ लिखा है, हमने कोड लिखा है कि वर्कशीट सिलेक्शन चेंज, दिख रहा है आपको, हाँ तो उसी सीट के, सिर्फ सीट टू के अंदर ही, जो सीट टू दिख रहा है इसी के अंदर जब कहीं क्लिक करेंगे तो एक कोड रन हो जाए। ठीक है सर, और इसे एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि मेरे पास यहाँ पे डेट नेम है, ठीक है नेम, और नेम में मैं चाहता हूं यहाँ पे कि डेट एंड टाइम लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे नेम पूजा लिख के एंटर मारा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेट एंड टाइम आ जाए। ठीक है, तो यहाँ हम कहाँ है हमारा, सीट थ्री इवेंट थ्री पे है, इवेंट थ्री के ऊपर जाएंगे इरा, इस पे डबल क्लिक करेंगे, सीट फाइव है, और यहाँ पे वर्कशीट, और यहाँ सिलेक्शन चेंज नहीं, यहाँ पे चेंज, तो जब कोई टाइप करते हैं उसको चेंज कहा जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक कोड करना होगा, अब क्यों करना होगा तो उस बाद में बताता हूं। मैंने लिखा कि यहाँ पे टारगेट डॉट ऑफसेट
जीरो रो सेम कॉलन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू हो जाना चाहिए डे, अगेन टारगेट डॉट ऑफसेट 0, दूसरा कॉलन डॉट वैल्यू इक्वल टू हो जाना चाहिए चाय। लेकिन 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 अब यहां पे एक प्रॉब्लम हुआ, मेरा माइक्रो कब रन हुआ, जब सीट में हमारा चेंज होगा, तो माइक्रो क्या कर रहा है, सीट में चेंज कर रहा है। ये तो बात वही हो गई कि हमने एक दरवाजे पे दो दरवान खड़े कर दिए, पहले को बोला कि दरवान नंबर 1 को बोला कि अगर दरवान नंबर 2 अगर दरवाजा बंद करे तो ओपन कर देना, और दरवान नंबर 2 1 को बोला, 2 को बोला कि दरवाजा 1 अगर बंद करे तो तुम खोल देना, मतलब ए को बोला कि तुम दरवाजा बंद हो तो खोल देना, और बी को बोला कि दरवाजा खुला हो तो बंद कर देना। तो क्या लग रहा है, ये टास्क कभी कंप्लीट होगा नहीं, होगा ना, एक बंद करेगा दूसरा खोलेगा, फिर दूसरा खोलेगा पहला बंद करेगा। उसी तरीके से ये हो जाएगा कि ए रन माइक्रो रन होगा टाइप होगा, फिर माइक्रो रन होगा फिर टाइप होगा, फिर माइक्रो रन होगा फिर टाइप होगा, तो ये अनस्टॉपेबल लूप हो जाए। इसलिए हमें क्या करना है, एक सेटिंग चेंज करनी है कि एप्लीकेशन डॉट एनेबल इवेंट्स इक्वल टू फॉल्स। लेकिन हमने अगर एप्लीकेशन के सेटिंग को चेंज किया है तो वापस हमको सही करना होगा, वरना फिर दोबारा इवेंट चलेगा ही नहीं, उसको ट्रू करना है। तो अब क्या होगा कि यहां पे जैसे मैंने यहां पे लिखा ओम, ओम लिख के एंटर मारा तो इवेंट चला, और देखिए यहां पे आपका डेट एंड टाइम एक हो चुका है। फिर यहां पे मैंने उदय लिखा तो उदय, योगेश लिखा तो योगेश, दिख रहा है सर। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ टाइप करूं तो वो अपने आप कुछ चेंज हो जाए, कुछ हो जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस मेथड को यूज करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आप चेंज का ऑप्शन यूज कर रहे हो तो ए एनेबल इवेंट्स ट्रू एंड फॉल्स करना नहीं भूलिएगा। अब इसमें भी आप कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ टारगेट डॉट रो कॉलन हम कीजिएगा कॉलन इज इक्वल टू 1 देन चले, अदरवाइज ना चले। मतलब क्या हुआ, सिर्फ ए कॉलम में नाम टाइप करने पे वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब इस पे क्लिक कीजिए। अब यहां पे अगर सीट को सिलेक्ट करते हैं तो यहां पे बहुत सारे मेरे पास चीजें, जैसे एक्टिवेट सीट, जैसे कोई एक्टिवेट करे तो कोई पॉपअप दे या कुछ इस तरह का मैसेज दे या कुछ और करे, ऐसे बिफोर डिलीट सीट, डिलीट करने से पहले बिफोर राइट क्लिक, बिफोर डबल क्लिक, चेंज डीएक्टिवेट वगैरह। तो आप क्या करें, एक बार इसको कीजिए अपने एंड से प्रैक्टिस। ठीक है, इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके अंदर जो मैंने कोड यूज किए हैं वो कोई नई कोड नहीं है, हमने वही कोड यूज किया है जो अभी तक मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, अभी तक हमने इसमें वही कोड यूज किए हैं जो मैंने आपको अभी तक सिखाया है। एक बार आप इन इवेंट्स पे अपने हिसाब से कुछ प्रैक्टिस करके देख लें, उसके बाद फिर कल मैं फाइनली इसको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सर इसमें जो रिकॉर्डिंग आपको टारगेट करके करते हैं टारगेट।